हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है विश्व जनसंख्या दिवस पर भाषण। तो चलिए हमारा भाषण शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बोलेंगे, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी टीचर्स और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में जनसंख्या वृद्धि जैसी विश्वव्यापी गंभीर समस्या के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं अपने भाषण की शुरुआत एक जन जागरूकता नारे से करना चाहूँगी। इस तरह से बोलकर आपको एक नारा बोलना है, जनसंख्या पर रोक लगाओ, विकास की धारा बहाओ। आगे आप बोलेंगे, विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक जनसंख्या मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना है। आज लोगों को परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य, गरीबी और बेरोजगारी जैसे विभिन्न मुद्दों से अवगत होने की आवश्यकता है। आज विश्व के हर नागरिक को इस ओर ध्यान देने और जनसंख्या नियंत्रण में अपना योगदान देने की आवश्यकता है। इस दिन बढ़ती जनसंख्या के समाधान और इस ओर जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई क्रियाकलाप किए जाते हैं, ताकि बड़ी संख्या में लोगों का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित कर इसका समाधान किया जा सके। हालांकि आज देश के नागरिक जिम्मेदार और जागरूक हैं, परंतु फिर भी देश के कुछ हिस्सों में आज भी लोग परिवार नियोजन से जुड़ी तमाम जानकारियों से अनजान हैं। जनसंख्या से जुड़े भारत के आंकड़े अगर देखे जाएँ तो भारत जनसंख्या वृद्धि में दुनिया के कई देशों से बहुत आगे है। बढ़ती जनसंख्या भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आज़ादी के वक्त 1947 में भारत की आबादी 34.20 करोड़ थी, जो आज बढ़कर 1 अरब 25 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुकी है। भारत में दुनिया की 15% आबादी रहती है और भारत के पास विश्व का 2.4% भूभाग है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि किस तरह एक विकराल समस्या है। अगर यूं ही हमारे देश की जनसंख्या में वृद्धि होती रही तो आने वाले समय में हमारे देश का विकास बाधित होगा। अतः हम सभी की यह कोशिश होनी चाहिए कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे जनसंख्या रोकथाम अभियानों का हिस्सा बनकर सरकार का सहयोग करें, खुद भी जागरूक बनें और जन जन को भी जागरूक बनाएं। और अंत में बस यही कहना चाहूँगी, जन जन में यह फैलाएं नारा, छोटा और सुखी परिवार हो हमारा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप विश्व जनसंख्या दिवस पर हिंदी में भाषण दे सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।